हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर पल्लवी आगा और मैं एक डॉक्टर और लाइफस्टाइल कंसल्टेंट हूँ। एंड जैसा आप लोग सब जानते हैं, मैंने अपना ये ऑर्गेनिक हाई प्रोटीन लो कार्बोहाइड्रेट लाइफस्टाइल आटा लॉन्च करा है, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड फॉर नॉर्मल पीपल जिनको कोई लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, फॉर डायबिटीज़ एंड फॉर थायराइड। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नम्रता। हेलो डॉक्टर नम्रता। And Dr. Namrata is a doctor and she is dealing with alternative medicine and वो भी इस बात में बिलीव रखती हैं how to use food as medicine. आज Dr. Namrata हमको इस आटे को कैसे गूंदना है और कैसे बनाना है इसकी विधि बहुत अच्छी तरह से बताएंगी। हाँ मैम, आप एक बार मुझे फिर से डेमोन्स्ट्रेट करके बताइए। एक्चुअली क्या है, हेलो, एक्चुअली इस आटे को गूंथने का प्रॉपर मेथड होता है, नहीं तो फटने का डर होता है। जैसे आप रोटी बनाते हैं, कई लोग शिकायत करेंगे कि रोटी बन नहीं पा रही है, या बेलना, जब बेलन से हम बेलते हैं तो उसमें नहीं बेल पा रहे हैं। तो मैं आपको छोटा सा एक आपको क्लिप देती हूँ। इसको थोड़े थोड़े पानी, पहले तो अच्छे से आटा को ऐसे मिला लेंगे, क्योंकि इसमें चिया सीड्स है और सीड्स भरपूर मात्रा में है, तो इसको पहले तो हम पूरे आटे को ऐसे ऐसे कर लेंगे ताकि उसके बाद ये अच्छे से मिल जाए। फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी दे रहे हैं, देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी देके इसको हम गूथेंगे, क्योंकि थोड़े पानी में देखिए कितने अच्छे से मेल्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें इतने सीड्स हैं कि ऑयल छोड़ता है, ऑयली होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं हम इसमें। बिल्कुल देखिए, एक एक चम्मच डाल रहे हैं हम थोड़ा थोड़ा। और ये बहुत जरूरी है इस बात को ध्यान रखना, जो हमें डॉक्टर अमृता बहुत अच्छे से बता रही है कि थोड़ा थोड़ा पानी में ये हमें आटे को गूंदना है ताकि वो कड़ा ना हो जाए और या ज्यादा सॉगी ना हो जाए। नहीं तो फिर और आपको आटा मिलाना पड़ेगा, तो बेटर है थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए जितना आपको बनाना है उसको आप गूंथे। मैंने थोड़ा सा ही लिया, सिर्फ ये दो तीन रोटी का आटा है। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको, और इसमें ऑफ कोर्स हम सब ग्रीन वेजिटेबल्स, मेथी पालक सब ऐड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, घी भी ऐड कर सकते हैं उसका और न्यूट्रिशनल कंपोनेंट और बटर करने के लिए। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा आटा, गूंधा हुआ आटा रेडी। कितनी जल्दी ये गूंध गया, और बिल्कुल ज्यादा पानी डालने से गूंथने में प्रॉब्लम होती है और वो सॉफ्ट नहीं हो पाती है रोटी। हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, और देखिए बिल्कुल कहीं से नहीं चिपका है, ये हाथ में भी नहीं चिपकता है, और इसमें इतनी सारी चीजें हैं इतने सीड्स के साथ, बहुत ही हेल्दी आटा है ये आटा गूंथिए। अब इसके साथ में पहले से गूंथा हुआ सेम आटा है, इसकी मैं रोटी बना रही हूँ। थोड़ा पहले यदि गूंथ के रख देंगे तो रोटी बहुत ही सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट बनेगी, बिल्कुल सॉफ्ट बनती है। जैसे लोगों का ये मिथ होता है कि इस तरह की रोटियां सॉफ्ट नहीं होती हैं, कड़ी होती हैं, तो ये पहले से गूंथा हुआ था, ये मैंने आपके सामने गूंथा है। इसकी रोटी आप देखिए बिल्कुल छोटी छोटी, न्यूट्रिशनल कंटेंट इन रोटियों का बहुत हाई है, बिकॉज दे आर हाई इन प्रोटीन एंड दे आर हाई इन फैट। ऐसे करना होता है, ऐसे ऐसे थोड़ा कर लिया ताकि ये फटे नहीं। ये भी हमारा वही सेम आटा, सेम आटा पी ए ब्रांड। कहीं से रोटी नहीं फट रही है, बिल्कुल गोल बन रही है। नहीं तो यदि गेहूं नहीं होता, लोगों की शिकायत होती है कि रोटी फट जाती है, बिल्कुल देखिए कहीं नहीं फट रही है रोटी। ये देखिए आपकी गर्मा गर्म फुल ऑफ हेल्थ ग्लूटेन फ्री रोटी कितनी बढ़िया वे में हमारा अपना जो प्रोडक्ट है, जो मैंने पी ए ब्रांड ऑफ वेलनेस लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स लाइफस्टाइल आटा लॉन्च करा है, कंप्लीटली ग्लूटेन फ्री है एंड दिस इज वेरी गुड फॉर बोथ डायबिटीज, थायराइड, पीसीओडी। और अभी आप इंतज़ार करिए होली पे, प्योर डायबिटीज़ और प्योर थायराइड वालों के लिए भी अलग से आटा लॉन्च हो रहा है, जो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा फॉर हेल्पिंग देम ओवरकम देयर डिजीजेस। इसको थोड़े कम आंच पे सेकते हैं, बिल्कुल ये कम आंच पे सेकते हैं, ज़्यादा तेज नहीं करते, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिएंट है वो जल जाएंगे। बहुत ही धीमे धीमे आंच पे इसको पकाते हैं, और चिया से चूंकि रॉ है
देखिए ये रोटी फूल भी रही है, कहीं से नहीं फटी है, गोल भी बनी है। ये आपकी रोटी तैयार। इसमें आप घी ऊपर से लगाइए, घी बेलने में लगाइए। वाह, देखिए आपकी। और फिर लोग बहुत घबराते हैं कि बैलेंस डाइट नहीं है, और हम यही कहने की कोशिश करते हैं कि डाइट को बैलेंस करिए हेल्थ के साथ, ना कि आप ग्लूटेन या ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स खाइए जो आपके लिए हेल्दी ना हो। दिस, ये तो एक हमें टुकड़ा दीजिए। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, वाह, देख कर ही मजे आ गए इस रोटी को। इसको आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, एकदम रोल करके दे सकते हैं इसमें सब्जियों के साथ। क्या रोटी बनी है, वाह, थैंक यू। चिया सीड का जो इसमें टेस्ट आता है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चिया सीड का। बिल्कुल, मेरे तो सभी को बहुत पसंद आ रही है, इसलिए मैंने आज चाहा कि डॉक्टर नम्रता एक बार डेमोन्स्ट्रेट करें, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं इन कुकिंग एंड इन ऑल दीज वेरियस मोडालिटीज। तो थैंक यू डॉक्टर नम्रता कि आपने आज मुझे इतना हेल्प किया, और क्या रोटी बनी है, वाह, मजे आ गए। थैंक यू जी। आप लोगों को अगर ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे आप मैसेज करिए, मुझे ऑर्डर करिए, मैं प्री ऑर्डर ही ये आपको अवेलेबल करा सकती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश विदाउट प्रिजर्वेटिव्स आटा है। तो आप मुझे प्लीज़ प्री ऑर्डर करके कुछ दिनों का टाइम दीजिए, सो दैट आपके पास ये गुडनेस ऑफ हेल्थ मैं क्वालिटी के समेत आपको दे पाऊँ। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक द वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।